So guys, finally I have reached here at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. मैं आदित्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा पूरा ट्रैवल ब्लॉग, जो कि रहने वाला है फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। मैं ट्रैवल करूँगा फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट टू कायरो एंड फ्रॉम कायरो टू टोरंटो, जो कि रहने वाला है पूरा 37 आवर्स ऑफ जर्नी, जिसमें मैं फिलहाल अभी हूँ पुणे में, जहाँ से मैं जाऊँगा बाय रोड मुंबई, एंड फ्रॉम मुंबई टू कायरो बाय द फर्स्ट फ्लाइट, एंड फ्रॉम कायरो टू टोरंटो बाय सेकंड फ्लाइट। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मीन्स इन फ्यूचर जो कोई भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा ट्रैवल करने वाला है, उसके लिए ये वीडियो एज ए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। वैसे तो मैं ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन एज ए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप ले सकते हो। तो अभी मैं हूँ पुणे में, और आज अभी बजे है सुबह के 9 AM, और आज की डेट है 20 ऑफ अगस्त, एंड मेरी फ्लाइट है 21st ऑफ अगस्त, एंड मैं अभी निकलूँगा बाय रोड पुणे टू मुंबई। तो चलो ये पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस होता है मेरे साथ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो कोई भी डिफिकल्टीज आती है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी आने वाला है उसको ये डिफिकल्टीज दोबारा ना हो। तो चलो इन्जॉय करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, एक्चुअल हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है पुणे से। इनिशियली हम निकलने वाले थे 9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 9:30, लेकिन हमें निकलने में थोड़ी हुई देरी। हम निकल चुके थे 10 बजे, क्योंकि फैमिली वगैरह साथ में थी, सबको रेडी होने में टाइम लगता है, तो वो ऑब्वियस है। हमें पहुंचना था मुंबई 12 बजे से पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पहुंच चुके, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी ट्रैफिक भी थी इसलिए भी, और हम लेट निकल चुके थे इसलिए भी। तो पुणे टू मुंबई जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो आप खुद की गाड़ी से जा सकते हो, या आप कैब से जा सकते हो। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर लो, क्योंकि बहुत सारे कैब्स ही है पुणे टू मुंबई, तो आप देख लेना आपके हिसाब से कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप चूज करो। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, हमें पहुंचना था मुंबई 12 बजे से पहले, लेकिन हमें मुंबई पहुंचने में बजे 1, और हमने यहाँ से डिसाइड किया कि हम जाएंगे सिद्धिविनायक टेम्पल, जो कि मुंबई का सबसे फेमस टेम्पल है, गणपति टेम्पल। मैं और मेरी पूरी फैमिली साथ थे, हम जा रहे थे टूवर्ड्स द सिद्धिविनायक टेम्पल। तो दोस्तों, यहाँ से आगे जाके आपको दो रास्ते मिलेंगे,
एक जाएगा राइट और एक जाएगा स्ट्रेट। जिसको भी डायरेक्टली डिपार्चर की तरफ जाना है वो स्ट्रेट जा सकते हैं। हमें तो जाना था पार्किंग की तरफ, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच चुके थे। हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे पार्किंग में, वहाँ पे थोड़ा सा वेट वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे और वहाँ से जाएंगे डिपार्चर की तरफ। तो हम अभी जा रहे पार्किंग की तरफ। So guys, finally I have reached here at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. So guys, अभी बजे है रात के 9:33 और मेरी फ्लाइट का टाइमिंग है 3 AM। तो अभी मुझे अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, मे बी वो अलाउड करेंगे 10:30 या 10:45 को। तब तक मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ। अगर आपकी फ्लाइट भी ऐसी है तो एटलीस्ट 4 to 5 hours पहले आना चाहिए आई थिंक सो, बिकॉज यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो 4-5 घंटे पहले ही आते हैं। तो आप भी वैसे ही 4-5 घंटे एटलीस्ट जल्दी आना चाहिए आपको। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मेरे फैमिली के साथ। तो यहाँ पर मुंबई में बहुत ट्रैफिक होता है, इसलिए 1-2 घंटे ज़्यादा ही कंसिडर करके आना। तो चलो अभी मिलते हैं अंदर जाके, जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो आपको सब कुछ बताऊँगा इन डिटेल। तो चलो मिलते हैं। तो गाइस ये है तुम्हारा भाई और यहाँ पे वेट कर रहा है चेक इन काउंटर्स ओपन होने का। ये है हमारे बैग्स और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि चेक इन काउंटर्स कब ओपन होंगे और हमारी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगी। ये आप देख रहे हो कि इजिप्ट एयर के चेक इन काउंटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअली मुझे वीडियो लेने के लिए अलाउड नहीं था। तो गाइस चेक इन होने के बाद हम गए सिक्योरिटी के लिए और सिक्योरिटी के बाद हो गया इमिग्रेशन। तो चेक इन बैग में ऐसा कोई इजिप्ट एयर ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता अगर आप उनके रूल्स फॉलो करते हो। आपको सिर्फ 23 kg की 2 bags और एक 7 kg का बैग्स जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हो 10 kg तक, और जो 23 kg वाले बैग्स है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं 24 kg तक। तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका अगर वेट बहुत ही ज़्यादा हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और इमिग्रेशन में मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ कोर्स वगैरह क्यों जा रहे हो ऐसा दो तीन क्वेश्चन उन्होंने पूछे और मुझे छोड़ दिया। इंडियन इमिग्रेशन में यहाँ पे इतना कुछ नहीं पूछते। तो इमिग्रेशन होने के बाद सीधा हम आए इस लाउंज में, जो कि हमें एक्सेस मिला था बिकॉज ऑफ न्यू कार्ड के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक फ्री खाना वगैरह यहाँ पे मिलता है। आप इस लाउंज एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास न्यू कार्ड हो। यहाँ पर जितना मर्जी आप खा सकते हो, जितना मर्जी आप यहाँ पे बैठ सकते हो। तो गाइस टाइम हो चुका था 3:45, हमारा फ्लाइट का टाइमिंग था 3 AM लेकिन 3:45 हो चुका था। लेकिन एंटर जाने के बाद हमें उन्होंने एक पिलो भी दिया और उसके साथ एक एयरफोन भी था और एक छोटी सी स्क्रीन जो आप सामने देख सकते हो, जिसमें कुछ ऐसा अच्छा मुझे तो कुछ इंटरटेनिंग नहीं लगा। जो कुछ भी थी इंग्लिश मूवीज थी जो कि मैंने पहले से ही देखी हुई थी। और ये आप बाहर देख सकते हो बाहर का थोड़ा सा नज़ारा, और ये अंदर तो ये पूरे आपके जर्नी में आपको 2 टाइम का मील प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ 1 टाइम टी और कॉफ़ी, दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हो। तो ये खाना कुछ इतना अच्छा नहीं लगा मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज हमें इंडियन खाना खाने की आदत है और ऐसा इजिप्शियन मतलब इंडियन ही था, हिंदू मील इसका इस थाली का नाम था, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ इतना खास नहीं लगा। और जिन्होंने भी नॉनवेज वगैरह बुक किया था एट द टाइम ऑफ द टिकट बुकिंग उनको थोड़ा सा अच्छा मिला, लेकिन हमें तो ये वेज वालों को इतना अच्छा नहीं मिला था। यहाँ पे इजिप्ट में हमारा 20 आवर्स का ले ओवर था, जहाँ पे 20 आवर्स में हमारा पूरा खाने का बंदोबस्त इजिप्ट एयर ही करने वाली थी और रहने का बंदोबस्त भी इजिप्ट एयर ही करने वाली थी। तो लैंड होने के बाद यहाँ पे हमारे पासपोर्ट और अगले फ्लाइट के बोर्डिंग पास उन्होंने कलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हमें वेट करने के लिए बोला। और उसके बाद उन्होंने हमको एक गाड़ी में बैठा कर एक होटल में ले गए, जिस होटल का नाम था ले पसाज समथिंग नाम था। इस होटल में आपको ठहरेंगे और यहाँ पे आपका रहने का पूरा 20 आवर्स ले और का बंदोबस्त यहीं पे होगा, जो कि उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली हमें एंटर करने के लिए अलाउ किया। तो गाइस होटल में एंटर करने के बाद थोड़ा सा मतलब इम्प्रेसिव था, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मतलब इतना अच्छा नहीं होगा ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन होटल बहुत अच्छा था, 3-star होटल में कहूँगा, क्योंकि यहाँ का खाना वगैरह बहुत अच्छा था स्पेशली नॉन वेज वालों के लिए। तो गाइस यहाँ पर भी हमें वेट करवा लिया। हमने यहाँ पर वेट करने के बाद डायरेक्टली उन्होंने हमें कहा कि आप तब तक वेट करने से अच्छा आप जाके ब्रेकफास्ट करो। तो गाइज हम डायरेक्टली वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए आए और यहाँ पे इतनी डिशेस थी कि पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या खाऊँ क्या क्या नहीं, क्योंकि इतने सारे डिशेस थी वेज वालों के लिए नॉन वेज वालों के लिए।
लेकिन मैं कहूँगा कि नॉनवेज वालों के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस थे, और वेज वालों के लिए मतलब वेज वाले थोड़े से नाराज़ ही दिख रहे थे, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड जो वेज था, जो वेज खा रहा था, और वो बोल रहा था कि इतना टेस्ट अच्छा भी नहीं है वेज का। लेकिन नॉनवेज के लिए मैं तो कहूँगा 10 आउट ऑफ 9 मार्क्स मैं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। एटलीस्ट आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप दूसरा कुछ तो ट्राई कर सकते हो। ऐसा लंच और डिनर का वीडियो मैंने नहीं लिया, लेकिन लंच और डिनर भी मतलब अच्छा ही बोलूँगा मैं, क्योंकि वैरायटीज़ बहुत सारी प्रोवाइड की थी, इसलिए हमें ओवरऑल अच्छा ही लग रहा था। बहुत सारी डिशेज हमने ट्राई की, कुछ हमें पसंद आई, कुछ पसंद ना भी आई, लेकिन ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 बोलूँगा मैं। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद सीधा हम चले गए हमारे रूम की तरफ। हमें बहुत एक्साइटमेंट थी कि हमारे रूम्स कैसे होंगे, क्योंकि इजिप्ट एयर के बहुत सारे निगेटिव रिव्यूज सुनने के बाद हमें लगा कि कुछ तो मतलब निगेटिव पॉइंट्स होंगे कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसा खाना था वैसा ही भी, रहने के लिए रूम भी वैसे ही थे। आप देख सकते हो कि रूम एकदम क्लीन दिख रहे हैं आपको, एकदम वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ क्लीन दिख रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक रूम में दो लोग उन्होंने एडजस्ट किए थे। ये जो मेरे साथ देख रहे हो वो भी मेरा दोस्त ही है, वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, और हमने डिसाइड किया कि हम दोनों एक ही रूम में रह लेंगे। तो थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद हम सीधा आए लंच करने, और लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर किया कि क्या क्या चीज़ें इन होटल वालों ने प्रोवाइड की है। उसमें प्रोवाइड किया था स्विमिंग पूल भी था, अच्छे से गार्डन्स भी थे, यहाँ पे एक कसिनो भी दिख रहा था जो कि टोटली बंद था। और उसके बाद हम डायरेक्टली शाम को आए जहाँ पर लोग स्विमिंग वगैरह कर रहे थे, और तो वैसे ऑलमोस्ट निकलने का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर निकलने से 1 घंटे पहले यहाँ पर एक कोई फंक्शन चल रहा था, तो यहाँ पर हम चिल कर रहे थे, चिल करते करते वो फंक्शन देख रहे थे। और उसके बाद फंक्शन होने के बाद वापस से जो गाड़ियाँ हमें छोड़ने के लिए आई थी, उसी गाड़ी में बैठा कर हमें वापस एयरपोर्ट तक उन्होंने छोड़ दिया। तो सिक्योरिटी और इमिग्रेशन होने के बाद हमें बोर्डिंग पास मिल गया, और सीधा हम आए हमारे प्लेन में। प्लेन में मतलब प्लेन थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस प्लेन, ये प्लेन थोड़ा सा बड़ा था, जिसकी कैपेसिटी 450 लोगों की कुछ तो थी, और प्रीवियस प्लेन की 150 लोगों की कुछ थी। मतलब ये पूरा प्रॉपर इंटरनेशनल प्लेन लग रहा था। तो इस प्लेन में आपको वैसा ही खाना मिलेगा जैसे कि पिछले प्लेन में मिला था, ऑलमोस्ट वैसा ही खाना था। दो टाइम कुछ तो खाना मील दे दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने सुबह को ब्रेकफास्ट भी दे दिया था। रात को अंधेरा था इसलिए मैंने मील का फ़ोटो मैं नहीं ले पाया, लेकिन ब्रेकफास्ट का फ़ोटो वीडियो में ले चुका हूँ। आप देख सकते हो यही कुछ तो था ब्रेकफास्ट के लिए सुबह। रात भर अंधेरा था इसलिए मैंने वीडियो नहीं लिया। कनाडा इमिग्रेशन में बहुत सारी भीड़ थी इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाया। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ मेरा नाम देखा, नाम पूछा, और डायरेक्टली स्टडी परमिट और मुझे मेरा वर्क परमिट देके वहाँ से फ्री कर दिया। वर्क परमिट मुझे मिला क्योंकि मेरे कोर्स में मेरा कोऑप था, इसलिए उन्होंने वर्क परमिट में मेरे स्टडी परमिट के साथ ही दे दिया। उसके बाद हमें कॉलेज का मतलब पिकअप मैंने कॉलेज से बुक किया था, इसलिए हमें यहाँ पे लेने के लिए कॉलेज के ड्राइवर अंकल आ चुके थे जो कि चाइना से थे। तो फाइनली हम गाइज पहुँच चुके हैं। आपको जो सामने छोटी सी ये बिल्डिंग दिख रही है,
वही मेरा अकोमोडेशन है, आप देख सकते हो मेरी बिल्डिंग, और उसके एग्जैक्ट सामने सी ऑफ फेयरव्यू मॉल दिख रहा होगा। नॉर्थ यॉर्क में मैं रहता हूँ गाइस। नॉर्थ यॉर्क में ये अकोमोडेशन मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से बुक किया था। तो गाइस यही था मेरा पूरा ट्रैवल लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।